रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहली चीज़, जब कोई बॉडी ट्रांसलेट करती है, बस सिर्फ ट्रांसलेट, तो सेंटर ऑफ मास आगे मूव करता है। ट्रांसलेशन में हम बॉडी की शेप से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे है, तो ट्रांसलेशन की एनर्जी क्या मानी जाएगी? हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी रोटेट कर रही है, इसको बोलते हैं प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन के अंदर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता, पूरी बॉडी ओमेगा के साथ घूमती है। तो एक शॉर्टकट मैंने हमेशा बताया कि मास, जो काम ट्रांसलेशन में मास करता है, वो काम रोटेशन में कौन करता है? आई करता है। और जो वी करता है वो कौन करता है? ओमेगा करता है। तो खड़ी खड़ी अगर बॉडी रोटेट करती है प्योर रोटेशन, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर कोई बॉडी रोल करेगी, तो रोल करती हुई बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी, रोटेट भी करेगी, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं ट्रांसलेशन, तो हाफ एम वी स्क्वायर। क्या वो कह रहे हैं प्योर रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और क्या वो कह रहे हैं रोलिंग, रोलिंग में दोनों का सम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन ये तरीका नहीं है बताने का कि जैसे एम है वैसे आई है, जैसे वी है, ठीक है करते हैं हम इनफॉर्मली कर लेते हैं, पर ये मेथड नहीं है फिजिक्स वालों का बताने का। तो अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी घूमती है, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मैंने इनफॉर्मली तो बता दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या तरीका है? एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मान लो एक बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है, इसके बहुत सारे पार्टिकल अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, तो मास m1, m2, m3 अप टू mn है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से r1, r2, r3 अप टू rn है। तो जब ये ओमेगा कांस्टेंट से घूम रहे हैं, तो इसकी क्या होगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी v1, टेंजेंशियल वेलोसिटी v2, क्योंकि घूम तो सर्कल में रहे हैं, पॉइंट मास है। तो इसका v1 क्या होगा? r1 ओमेगा। इसका v2 क्या होगा? r2 ओमेगा। तो ऐसे केस में जब प्योर रोटेशन है, खड़ी खड़ी बॉडी घूम रही है, तो पहले पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, दूसरे की हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, आखिरी की हाफ एम एन वी एन स्क्वायर। और मैं यहाँ पर वी वन की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ? आर वन ओमेगा, वी टू की जगह आर टू ओमेगा, आर एन ओमेगा। ओपन करेंगे तो ये टर्म आएगी, और अगर कॉमन निकालेंगे हाफ ओमेगा स्क्वायर, तो ये टर्म आएगी। और एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, टू एम एन आर एन स्क्वायर को क्या लिखते हैं? मोमेंट इनर्शिया। आई आंसर प्रूफ नहीं आएगा, ये प्रूफ नहीं आता पेपर में, लेकिन आपको समझाने के लिए कि देखो ऐसे ये एनर्जी निकलती है, वो अलग बात है, कोई ऐसा समझना नहीं चाहता, समझना हर कोई ऐसे ही चाहता है। हो गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल तरीका ऐसा ही है कि आपको इसमें हर पार्टिकल की एनर्जी को ऐड करके टोटल एनर्जी को निकालना होता है। तो ये आंसर है, राइट?